जिला कुल्लू में अब पलम का सीजन शुरू हो गया है और अब सेब सीजन की भी तैयारी चल रही है। ऐसे में रायसन निवासी बागवान भगवान दास नेगी बागवानों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने अन्य राज्यों से आए 100 से अधिक आड़तियों व मजदूरों को क्वारंटाइन के लिए स्थान उपलब्ध करवाया है। कुल्लू मनाली में इस दौरान कई चुनौतियां प्रशासन से ही सब्जी मंडी के व्यापारियों के सामने खड़ी हैं। प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार अन्य सभी व्यापारियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना अनिवार्य है। ऐसे में सब्जी मंडी एसोसिएशन मदरोल को क्वारंटाइन सेंटर की आवश्यकता थी जो कि गांव से दूर हो। उन्होंने कई एकांत क्षेत्र तलाशने के लिए प्रयास किए लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। भगवान दास नेगी ने अपने कैंप को क्वारंटाइन सेंटर बनाया। इनकी पूरी टीम जान जोखिम में डालकर सेवा भाव से अन्य राज्यों से आए व्यापारियों को मजदूरों की पूरी व्यवस्था में जुट गई है। कैंप की रोजाना मॉनिटरिंग कर स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट भेजी जा रही है, वहीं टेस्टिंग भी की जा रही है। भगवान दास नेगी का कहना है कि अन्य लोग भी इस नेक कार्य में सहयोग कर रहे हैं और कोरोना के बारे में भ्रम ना फैलाएं, इससे हमारे क्षेत्र के किसान व बागवानों को नुकसान झेलना पड़ेगा। कोरोना आज पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में सामने आई है और इससे सब लोग पूरा विश्व लड़ रहा है, तो ऐसे में हम सब भी इससे लड़ रहे हैं। तो हमें अब जब तक कोरोना की जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है तब तक मुझे लगता है कि हमें तब तक कोरोना के साथ में हमें जीना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमको रहना भी पड़ेगा। तो जैसे में हमारा भी सेब प्लम का सीज़न सामने है, तो इसी कड़ी में अनलॉक वन भी शुरू हुआ था। तो हमारे प्रदेश सरकार ने ये निर्देश दिए थे कि यहाँ पर बाहरी राज्य से आने वाले सभी व्यापारियों को मजदूरों को क्वारंटीन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी आड़त एसोसिएशन के लिए, प्रशासन के लिए, तो क्योंकि उनको एक आइसोलेटेड लोकेशन आइडेंटिफाई करनी थी कहाँ पे क्वारंटीन, जहाँ पे कि क्वारंटीन किया जा सके। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया सभी ने कि एक आइसोलेटेड लोकेशन उनको मिले, लेकिन लोगों में कोरोना का काफ़ी ज़्यादा खौफ था, इस वजह से लोगों ने अपने स्थानों को क्वारंटीन सेंटर बनाने से मना कर दिया। तो ऐसे में जब एसोसिएशन और प्रशासन मेरे पास में आई तो उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि यहाँ पर इसको क्वारंटीन सेंटर बना दिया जाए। और तो मैंने कहा कि चलो हम इसको क्वारंटीन सेंटर बना देंगे और इसकी मैंने अनुमति उनको दे दी और पूरे निस्वार्थ भाव से और पूरे सेवा भाव से हम इस कार्य में जुट गए, क्योंकि चुनौतियाँ मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपने अभी यहाँ पे कैंप देखेंगे ये पूरा का पूरा वाइंड अप हो चुका था, इसे हमने बंद कर दिया था तो लॉकडाउन के चलते हुए। तो अभी हमने इसको दोबारा से 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कैंप सेटअप किया और मेरे पास स्टाफ की भी कमी थी, स्टाफ भी नहीं था बिकॉज उनका जो लॉकडाउन की वजह से वो लोग वापस चले गए थे। तो कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ में आए, जैसे मेरे गांव से ज्योति प्रकाश जी है, मेरे गांव से रमेश नेगी जी है, तो किचन की व्यवस्था देखे, ज्योति प्रकाश जी यहाँ की जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर केवल 5 लोग हम लोग हैं यहाँ पर, जो 5 लोगों की टीम है जो पूरी की पूरी यहाँ कैंप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ की पूरी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। तो अभी इस वक्त हमारे यहाँ पर कैंप में 20 टेंट्स हैं, 20 टेंट में हम लोगों ने व्यापारियों को और मजदूरों को रहने की व्यवस्था की है और भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने इनके लिए की हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि इनके व्यापारियों के साथ में इनके काफ़ी सारे मजदूर भी साथ में आने थे, इनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर बड़े, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े डोम्स हम लोगों ने लगाए, इन डोम्स को हम लोगों ने अलग अलग वार्ड्स में हम लोगों ने विभाजित किया है और जिसमें जैसे जैसे वो लोग आ रहे हैं उसी हिसाब से उनको वार्ड हम लोग डेजिग्नेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उन लोगों को क्वारंटीन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए और यहाँ पर सफाई का पूरा ध्यान दिया जाए। और हम खुद पर्सनली, हमारी टीम इसको देख रही है, इस ये सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ पर इन सब नियमों का पालन हो। और साथ के साथ हम लोग यहाँ पर आशा वर्कर्स को हम लोग पूरी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग जो स्वास्थ्य विभाग है उनको भी हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ से कुछ सैंपल्स लिए गए थे और सभी सैंपल्स ईश्वर की कृपा से यहाँ पर सब के सब यहाँ पर नेगेटिव आए। और समय समय पर यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और पुलिस कर्मी भी यहाँ पर आ रहे हैं ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित हो। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।